हम तो अपनी कथा में आज करीबन 30 साल से कहते आ रहे हैं, माताओं बहनों तुम महात्माओं के चरण मत छुआ करो। क्यों? शिकायत लगेगी ना, आपको नाराज हो जाओगे। फिर भी निवेदन करता हूं, एक संत, एक सर्प, एक सती और एक सिंह, ये चारों चीजें स्पर्श के लिए नहीं होती। दर्शन कर लो दूर से, सिंह बैठा है आराम जाओ कि वाह, इसके सर पर हाथ रख के देखे, खा जाएगा वो आपको। वो निर्दयी होता है, हिंसक होता है वो, उसे दूर से देख लो अच्छा लगता है। एक सर्प बैठा हो तैयार, कहो वाह इसको छू के देखे, छू के डस लेगा वो आपको, वो स्पर्श नहीं मांगता है। एक सती जिसका अपना संकल्प है कि मेरे पति के अलावा मेरे शरीर को कोई टच नहीं कर सकता, ये अधिकार मेरे पति को है, किसी को नहीं है। सुकन्या ने ये कह दिया था, हे माँ सरस्वती मेरे पति स्नान कर आते हैं, रोज पति के चरण स्पर्श करते हूँ, आज मेरे पति के साथ अश्वनी और कुमार दोनों देवताओं के बैठे हैं और मेरे पति इन जैसे हो गए हैं, ये तीनों एक रूप में आए हैं, सुंदर राजकुमार बनकर आए हैं। माँ कहीं धोखे में पति के रूप, पति के भाव रखकर या पति को साक्षी मानकर मैंने इनके चरण छू लिए तो मैं पापी बन जाऊंगी। और उन्होंने कहा था, पुत्री जो मृत्यु लोक के प्राणी होते हैं, जिनका पंच भौतिक देह होता है उनकी परछाई होती है, और जो देव लोक के दिव्य प्राणी होते हैं उनकी परछाई नहीं होती। तब देखा था सुकन्या ने, जो बीच में खड़े थे उनकी लंबी परछाई थी। अरे देवताओं के पैर नहीं छुए, अपने पति के पैर छुए थे महाराज, ये देखो कथा कहती है। एक साधु एक संत भी कभी अच्छा संत ये नहीं चाहेगा तुम उसके पैर छुओ कभी, क्योंकि वो अगर आप बहुत बड़ी आयु में हैं तो वो कितने आदर के साथ बुलाता है, माता जी क्या माँ अपने बच्चों के पैर छूती है? ईमानदारी से कहना, क्या कोई माँ अपने बेटे के पैर छूती है? और हम जब कितने आदर से कहते हैं पूज्य माता जी, और हमने पूज्य माता जी का, और फिर भी आप आके पैर, उचित नहीं। हमने कहा बहन जी, और बहन से भी कभी चरण स्पर्श नहीं कराए जाते। हमने कहा बिटिया, तो जो कन्या होती है उसके चरण छू लो, लेकिन कन्या के कन्या किसी के चरण नहीं छूती, वो पूजिता है। इसलिए मेरी बहनों, माताओं, बेटियों, आप संतों को दूर से प्रणाम किया करो, उनके चरण मत छुआ करो। हाँ, अगर कोई साधु सच में आपसे छुआना चाहता है और आप छूना चाहते हो तो मैं इसका तो विरोध नहीं करूंगा, लेकिन अच्छे संत अपनी माताओं बहनों से वो चरण नहीं छुआते हैं। हम लोग तो माताओं के चरणों की ओर पहले देखते हैं। क्यों? अरे जब समुद्र मंथन हुआ था, आपको ध्यान होगा कितने कलश निकले थे, तीन कलश निकले थे। पहला कलश कौन सा था? विश्व से भरा हुआ, जहर से भरा हुआ। किसने पिया था? भगवान भोलेनाथ ने पिया था, नहीं पिया था सबको पता है। दूसरा कलश कौन सा था? मदिरा का था, वो किसने पिया था? दैत्य ने पिया था। अब आप समझ के कौन पीते हैं मदिरा? किसी राम जी राम, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो वो उन्होंने पिया था। और जो तीसरा कलश निकला था वो काहे का था? वो अमृत का था। और वो इंद्र के पुत्र जयंत को लेकर दौड़ने लगे, आप जानते हैं उन्होंने चार जगह रखा, और जहां वो उस समय उस घड़ी में वो कलश से अमृत गिरा, आज भी वहां कुंभ का मेला लगता है। लेकिन जब वो आ गए तो अब इस बात को लेकर विवाद होने लगा कि हम पिएंगे अमृत, हम पिएंगे अमृत, विवाद होने लगा। और उस विवाद के बीच में भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। आप सब जानते हो, किया था कि नहीं किया था? जो दैत्य थे वो भगवान विष्णु जब मोहिनी के रूप में आए तो सब उनके चेहरे को देख रहे थे, इतना सुंदर चेहरा,
इतना। और सज्जनों देवताओं ने देखा, अरे एक देवता ने कहा नहीं नहीं, देवता वो ही है जो सबसे पहले माताओं के चेहरे को नहीं उनके चरणों को देखता है। और जैसे उन्होंने मोहिनी के चरणों की ओर देखा, उन्होंने कहा इसमें तुम्हारा सुदर्शन का निशान चरण में बना हुआ है, ये मोहन नहीं मोहनी नहीं है, ये साक्षात मोहन आया है। चरणों में देखा तो श्री के निशान, ये तो लक्ष्मीपति है, वो सारे चिन्ह संख के निशान, जितने भगवान के चिन्ह थे वो सब चरणों में दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब मोहिनी रूप ने कह दिया, भैया अगर बेटी भी हो ना तो पहले उसके चरणों की तरफ देखना, ज्यादा चेहरे की ओर नहीं।